नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो सी टेट जुलाई एग्जाम 2021 के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सी टेट को लेकर फिलहाल में दोस्तों आप सबके लिए क्या अपडेट आज की निकल के आ रही है दोस्तों, ऑनलाइन फॉरम एग्जाम डेट के बारे में और इसी के साथ आपकी नोटिफिकेशन की जो डेट है दोस्तों, कब तक आप पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, बोर्ड की तरफ से क्या कहा गया है उसके बारे में बात करूँगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। साथ में दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार अपडेट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर आपको सी टेट से संबंधित डेली अपडेट है वो देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सी टेट की जो परीक्षा है वो CBSE बोर्ड द्वारा कराई जाती है। सी टेट यूपी टेट दोनों की नोटिफिकेशन का स्टूडेंट बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा। तो सी टेट और यू का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों उसको लेकर जो अपडेट आ रही है उसके बारे में इस वीडियो में बात कर लेते हैं। तो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सी टेट और यूपी टेट का इंतजार काफ़ी समय से स्टूडेंट कर रहे हैं, लेकिन इस संबंध में कोई भी ऑफिशियली तौर पर बात करूँ तो कोई भी अपडेट नहीं आ रही है। पिछले 2 साल में इसका जो आयोजन है परीक्षा का सिर्फ एक बार ही किया गया है, जबकि दोस्तों आपकी जो सी टेट की परीक्षा साल में 2 बार आयोजित होती थी। इन दोनों परीक्षाओं में हर साल लाखों अभ्यर्थी शामिल होते थे और शिक्षक बनने का सपना देख रहे स्टूडेंट के लिए दोस्तों काफ़ी सुनहरा मौका होता है। कब तक जारी हो सकता है नोटिफिकेशन? तो विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सी टेट के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE अगस्त के आखिर तक, जी हाँ दोस्तों जो अगस्त का महीना चल रहा है उसके लास्ट वीक तक आपका नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। और इसके लिए दोस्तों जो फॉरम है वो आपके सितंबर से अक्टूबर तक है वो मांगे जाएंगे। कितना स्कोर करने पर आप जो है सी टेट में क्वालिफाइड माने जाते हैं? तो सी टेट के लिए जो आपको 60% अंक लाने पड़ते हैं दोस्तों, यानी कि 90 नंबर आपको 150 में से लाने होते हैं, जबकि इसमें अब जो बदलाव भी किया जा रहा है 5 नंबर यहाँ पर दोस्तों और कम किए जाएंगे, यानी कि दोस्तों आपको जो है और कम नंबर पर आपको जो दे सकते हैं दोस्तों। 90 नंबर आपको यहाँ पर लाने होते थे 60%, लेकिन अब आपको 85 नंबर लाने होंगे। लेकिन आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 55% यानी कि 82.5 लाने जो है परसेंट नंबर लाने होते थे दोस्तों, वो भी अब यहाँ पर कम हो जाएंगे। 5-5 नंबर हैं वो कम किए जाएंगे। इसको लेकर नई शिक्षा नीति में प्रावधान भी है कि क्योंकि आपकी एग्ज़ाम है ऑनलाइन होने वाली है दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पहली बार ऑनलाइन एग्जाम देंगे। और आपको कैसे तैयारी करनी है दोस्तों? सिलेबस आपका वही है, सिर्फ परीक्षा पैटर्न बदला गया है। और ये भी अपडेट है कि सी टेट की जो परीक्षा है इस बार ऑनलाइन होने के बाद आगे से आपकी ऑफलाइन कराई जाएगी, क्योंकि कोरोना को देखते हुए जो ऑनलाइन कराने का फैसला लिया गया है। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम कराना काफ़ी मुश्किल होता है दोस्तों, इतने सारे स्टूडेंट के लिए कंप्यूटर की व्यवस्था करना और सेंटरों के पर जो है कंप्यूटरों के जो है उन स्टूडेंट को बताना कि किस आधार पर आपके क्वेश्चन आएंगे। तो मॉक टेस्ट भी हालांकि आपको दिए जाएंगे, लेकिन ये काफ़ी दोस्तों लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसको देखते हुए दोस्तों जो है सी टेट अगली बार आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो ऑफलाइन ही होगी, इस बार आपकी ऑनलाइन एग्जाम होगी। नोटिफिकेशन दोस्तों इसी वीक में कभी भी जारी हो जाएगा, कोई भी डेट नहीं है दोस्तों नोटिफिकेशन की। ऑनलाइन फॉरम दोस्तों सितंबर से अक्टूबर के मध्य भरे जाएंगे और आपका नवंबर में जो है दोस्तों एडमिट कार्ड है दोस्तों वो रिलीज कर दिए जाएंगे परीक्षा से ठीक 15 दिन पहले। एग्जाम दोस्तों आपकी दिसंबर में आयोजित होने की अपडेट है और दिसंबर में जो डेट आ रही है वो 6 दिसंबर, हालांकि पूरी तरह से अभी फिक्स नहीं है कि 6 दिसंबर को आपकी एग्जाम होगी, लेकिन दोस्तों जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्लियर हो जाएगा। ऑफिशियली वेबसाइट की बात करूँ तो कोई भी अपडेट नहीं है दोस्तों, आप तब तक अपनी कंटिन्यूस तैयारी करते रहें, सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं होगा। 1-2 टॉपिक उसमें चेंजेस किए जाएंगे, उसके बारे में आपको मैं अपडेट कर दूंगा जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप अपनी कंटिन्यूस तैयारी करते रहें, क्योंकि जैसे ही आपकी एग्जाम हो जाती है उसके तुरंत बाद आपकी टीचर की वैकेंसी भी आने वाली है CBSE बोर्ड के स्कूलों के लिए। तो दोस्तों प्रिपरेशन करते रहें और सभी पार्ट की अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।